तस्वीरें। और इस बीच इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मिला है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है, भाला फेंक में नीरज ने गोल्ड जीत लिया है, एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड, स्वर्णिम इतिहास, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और बहुत सालों से भारत को इंतजार था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिले और आखिरकार आज गोल्ड पक्का हो गया है। 13 साल बाद भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड मिला है, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। हरियाणा के छोरे ने आखिरकार कमाल कर दिया है और तमाम बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। देश भर में जश्न का माहौल है, क्या बच्चा क्या बड़ा और क्या बूढ़ा, हर कोई नीरज चोपड़ा की तारीफ करते नहीं थक रहा है। नीरज चोपड़ा ने देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा दिया है, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 13 साल बाद भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की। नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जीता है, उम्मीदें तो बहुत देर से लगाई जा रही थी क्योंकि फाइनल राउंड में नीरज चोपड़ा लगातार आगे चल रहे थे और आखिरकार उम्मीदों पर नीरज चोपड़ा खरे उतरे हैं और गोल्ड मेडल भारत की टीम ने डाल दिया है। ये पहला गोल्ड है टोक्यो ओलंपिक्स का, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा है कि समेटी जा रही है, इतनी सारी खुशियां है, हर कोई खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर किसी ने बधाइयां देना शुरू कर दिया है, ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर खुद सामने आए हैं और 6 करोड़ की धनराशि का ऐलान कर दिया है, ये नीरज चोपड़ा को मिलने जा रही है। तो स्वर्णिम इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड जीता है और टोक्यो ओलंपिक्स में ये पहला गोल्ड मेडल भारत को मिला। आज का दिन बेहद खास, इससे पहले कांस्य पदक भारत को मिला और अब गोल्ड मिला है, 13 साल बाद ये गोल्ड भारत को मिला। इससे पहले ओलंपिक्स गोल्ड में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था 2008 में, उसके बाद अब ये पहला मौका है कि किसी ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीता हो, यानी कि भारत की जो खुशियां हैं इस कोरोना काल में दोगुनी होती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाइयां दी हैं और ये बधाइयों का सिलसिला रुक नहीं रहा, ओलंपिक में नीरज ने जो किया वो हमेशा याद रखा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। टोक्यो में इतिहास लिखा है नीरज चोपड़ा ने, पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और चारों तरफ खुशी का माहौल है, आपको बता दें कि सोनीपत के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा और वहां पर एक जश्न जो है वो देखा जा रहा है, और साथ ही साथ सिर्फ देश के लोग ही नहीं, देश की जो सेना है वो भी जश्न मना रही है क्योंकि तिरंगा जो है वो टोक्यो में लहराता हुआ नजर आ रहा है और बेहद ही शान से लहरा रहा है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 13 साल बाद ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक मिला और टोक्यो में इतिहास रचा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ट्वीट करके बधाइयां दे रहे हैं। इससे पहले भी वो जितने भी लोग जीते हैं उनका ढांढस बधाया, साथ ही साथ जो महिला टीम हारी थी उनका भी ढांढस बधाया है, ये बहुत बड़ी जानकारी, ये उपलब्धि देश हमेशा याद रखेगा क्योंकि ये उपलब्धि है ही इतनी बड़ी। शुरू से ही नीरज चोपड़ा आगे चल रहे थे और उम्मीदें लगातार भारतीय जनता की बढ़ती हुई नजर आ रही थी, धड़कनें तेज हो गई थी कि गोल्ड आ पाएगा या नहीं, लेकिन अब गोल्ड आ चुका है, यानी कि हम किसी से पीछे नहीं है, भले ही ये पहला गोल्ड है लेकिन पहला ही 10 के बराबर है क्योंकि 13 साल बाद जीता है, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड और ये स्वर्णिम इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के सोनीपत के। तमाम राजनेता, तमाम अभिनेता और देश की जनता उनका शुक्रिया अदा कर रही है क्योंकि उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। और इस खुशी के क्षण में मेरे सहयोगी काविंद्र चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काविंद्र, बहुत बड़ा मौका है देश के लिए, और देश के लिए ही क्यों, देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 13 साल बाद भारत को गोल्ड मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं काविंद्र आप?
तो काविंदर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन खुशी का मौका है तो लगातार ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उपलब्धि देश हमेशा याद रखेगा, देश भूल नहीं पाएगा, आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये तमाम जो ट्वीट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, परिवार को बधाई दी है। अगर परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो वहां पर काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। इसके साथ ही जो सेना के जवान है वो भी हाथों में तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। 2008 के बाद भारत को अब गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता था, तब उनका बहुत नाम हुआ था और उन्होंने देश का मान बढ़ाया था। लेकिन उसी की तर्ज पर अब नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, टोक्यो में इतिहास रच दिया और ये तस्वीरें हमेशा याद रखी जाएंगी। ये स्वर्णिम पल है, इन पलों को कैद करके जरूर रखा जाएगा। देश का बच्चा, देश का नौजवान, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, सड़कों से लेकर एथलीट्स के घर तक और इसके साथ ही सरकार तक भी ये खुशी जो है वो लगातार देखी जा सकती है। तो भारत को एथलीट्स में पहला गोल्ड मिला है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ी हर खेल में मेहनत कर रहे हैं, उससे ये कहना गलत होगा कि हर खेल छोटा होता है। कोई भी खेल छोटा नहीं होता। ओलंपिक्स में जब आप खेल रहे हैं तो हर खेल बड़ा है और आपकी मेहनत और लगन इसे ऊंचाइयों की बुलंदी तक ले जाती है, जैसा कि नीरज चोपड़ा ने किया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की। 2012 में भारत ने 6 मेडल, 2021 में भारत ने 7 मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में पहला मेडल दिलाया है, वो भी ना रजत और ना कांस्य। ये मेडल है गोल्ड मेडल, जिसका इंतजार इतने दिनों से 15 दिन हो गए थे, इंतजार हो रहा था कि आखिर पहला गोल्ड भारत को कब मिलेगा। भारत कहीं ना कहीं एक कहें तो उन निगाहों से देख रहा था कि चलो आज गोल्ड मिलेगा, और कई बार ये मौके आए भी लेकिन ऐसा ना हो सका, लेकिन आज ऐसा हुआ है। और मेरे सहयोगी काविंद्र एक बार फिर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काविंद्र, बहुत बड़ा मौका है, 13 साल बाद गोल्ड मेडल भारत को मिला है ओलंपिक्स में, वो भी एथलीट्स में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल काजोल, ये सबसे बड़ा दिन आज देश के लिए। और उससे पहले आपको बता दूं कि काजोल 2008 बीते, आपको बता दूं जो हमको गोल्ड लेकर आए थे वो 2008 में मिला था, और अब जाकर हमारी जो ये गोल्ड की भूख है वो पूरी हो सकी है। काजोल आपको बता दूं, काजोल की बीते जितने दिन गुजरे हम लोग आस लगाए बैठे थे कि गोल्ड कब आएगा, और इसके साथ ही आपको बता दें काजोल की छूके छूके हमारे मौके पास से निकले हैं हम लोग। किस तरीके से हमारे देश की जो बेटियों ने कारनामे किए, उसके बाद जब पुरुष हॉकी की भी बात करें हम लोग बहुत करीब रहे लेकिन गोल्ड नहीं था, और ये अब जाकर जो गोल्ड मिला है पूरे देश के लिए सबसे बड़ा दिन है आज काजोल। बिल्कुल बिल्कुल काविंद्र, और ये कहा जाए कि 13 साल बाद ये गोल्ड मेडल मिला है, इंतजार बहुत सालों से हो रहा था, लेकिन ये यकीन कर पाना कि एथलेटिक्स में भारत गोल्ड मेडल ले जाएगा, ये बहुत बड़ी बात थी और ऐसा हो गया। जिन खेलों से हमने उम्मीद लगाई थी वहां पर नहीं हो पाया तो दुख हुआ था, लेकिन आज एथलेटिक्स में, यानी ये कहा जा सकता है कि जो हमारे खिलाड़ी एथलेटिक्स में इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल काजोल, ये पहली दफा कोई ऐसा मौका नहीं है। हम लोग जिन चीजों से उम्मीद लगाते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं, वहां से हमको उतना ना मिल सके, लेकिन हमेशा हमने देखा है इससे पहले, जैसे कि अभिनव बिंद्रा ने जो जीत हासिल की थी, और सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस मौके पर मीराबाई चानू ने यहाँ पर जीत हासिल की है, आपको बता दूं जो मेडल लेके आई सबसे पहले देश के लिए ओलंपिक टोक्यो में, उसके बाद हॉकी से उम्मीद थी लेकिन हॉकी से भी वो जो हमारी चाह थी गोल्ड की वो पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज भाला फेंक कर ये साबित कर दिया है नीरज चोपड़ा ने कि भारत में अभी बहुत दम है। और बहुत बड़ा दिन है काजोल, आपको बता दूं कि लगातार शुरुआत से ही, पहले राउंड से ही नीरज चोपड़ा आगे थे, 87.58 मीटर का जो उन्होंने भाला फेंका, सबसे आगे टैली पर टॉप कर रहे थे, और पहले से ही विश्वास था पहले राउंड से ही कि नीरज जो है वो गोल्ड लेकर ही आएंगे। और उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और उम्मीदें कायम रखी है यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने, और बधाइयों का सिलसिला भी काविंद्र शुरू हो गया है, और ए ग्रेड की नौकरी उन्हें दी जाएगी और करोड़ों की धनराशि का इनाम उन्हें दिया जाएगा। लेकिन काविंद्र, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खुशी के मौके पर किस तरह से सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल काजोल, देखिए इनामों की जो बौछार है वो तो होनी ही है, वो तो होती ही रहेगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कई साल तक तपता है, अपने आप को तैयार करता है, उसके लिए आज का दिन और ये गोल्ड उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा खिताब है उसके लिए।
जो भाला फेंक प्रतियोगिता थी जिसमें नीरज जीते हैं और गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ये भारत को शायद विरासत में ही मिला है, क्योंकि कई अभी ऐसे अगर बात की जाए ऐसे इलाके जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो अभी भी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जंगलों की हम बात करें, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अभी भी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें चीज विरासत में मिली है और इसका फायदा आज हमें हो रहा है, 2021 में 21वीं सदी में हमें फायदा हो रहा है कि हमें गोल्ड मिल रहा है, वो भी वर्ल्ड लेवल पर। बिल्कुल काजोल, बिल्कुल सही बात की आपने। आदिवासियों की बात करें या फिर हम इधर अगर राजस्थान वाली पट्टी पर जाते हैं तो वहां पर एक कहावत आज भी हर किसी के मुंह पर सुनाई देती है, चाहे चाय की दुकान हो चाहे कहीं भी हो, एक कहावत है कि फेक जहां तक भाला जाए। ये महाराणा प्रताप के लिए आज भी ये कहावत जो है और आज यथावत करी है, आज हमारे देश को जो सम्मान दिलाया है नीरज चोपड़ा ने, आज एक बात पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि हाँ भारत वहां तक भाला फेंकेगा जहां पर हम स्वर्ण पदक अपने नाम कर। और बिल्कुल भारत किसी से पीछे नहीं है, पहला मेडल है लेकिन 10 के बराबर है क्योंकि इस एथलेटिक्स में हमने जीता है। देखिए कावेंद्र, तस्वीरें तो बहुत सामने आ रही हैं, जो नीरज का परिवार है बेहद खुश है, नीरज के घर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच गा रहे हैं, लेकिन एक जो खास तस्वीर सामने आई है कावेंद्र वो ये है कि जो देश की सेना के जवान है वो भी तिरंगा लहरा कर खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप देखिए कि कितने गर्व की बात है कि देश की सेना जिन पर हम गर्व करते हैं वो हमारे खिलाड़ियों पर गर्व कर रहे हैं। बिल्कुल काजोल, देश में हमारे देश में जो राष्ट्रवाद का जज्बा है उसको कहते हैं ना कि इनबिल्ट, देश में इनबिल्ट है हर किसी हिंदुस्तानी के अंदर, वो चाहे क्रिकेट में हम खिताब लेकर आए वर्ल्ड कप जीतते या इसमें भारतीय सेना हो, हमारे देश के डॉक्टर हो, हमारे देश का एक छोटा रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी हो, सबके दिल में आज एक ही बात है कि वो दिल पे हाथ रख के कह रहा है कि बस हम जीत गए। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि हम जीत गए हैं और हम आगे भी ऐसे जीतते रहेंगे। कावेंद्र बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड और ये गोल्ड स्वर्णिम इतिहास रच के जा रहा है, क्योंकि गोल्ड जीता है तो स्वर्णिम इतिहास तो रचेगा ही। इसके अलावा देश भर में खुशी का माहौल है और सम्मानित तो नहीं किया ही जाएगा, तमाम धनराशि उन्हें दी ही जाएगी और इससे भी आगे सम्मान मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी है वो ये है कि 13 साल का इंतजार भारत ने किया और 13 साल बाद आखिरकार भारत की झोली में गोल्ड गिरा है और पिछले 15 दिनों से इंतजार हो रहा था, कई मौके आए और कई उम्मीदें जगी लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। शायद हमारे खिलाड़ी उतने खरे नहीं उतर पाए, लेकिन उन्होंने हमें नाखुश नहीं किया, हमें उन्होंने खुश किया कांसे से रजत से। लेकिन आज की जो खुशी है ना वो वाकई दोगुनी हो गई है, क्योंकि आज दो मेडल हमने जीते हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल एक गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। होंगे तमाम देशों के तमाम मेडल्स होंगे, लेकिन हमारे लिए ये एक मेडल 100 के बराबर है, क्योंकि हमने कड़ी मेहनत की है, धूप में खुद को पकाया है इन खिलाड़ियों ने और पसीना बहाया है, और उस पसीने बहाने के बाद ही ये गोल्ड हम लेकर आए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, देश के लिए गर्व का मौका है। इस कोरोना काल में जहां हर कोई दुखी है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में ये मौका देश को खुशी से पूरी तरह से भर रहा है, परिपूर्ण कर रहा है, साथ ही साथ हर कोई खुश है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा के घर के बाहर जुबावड़ा लगा हुआ है, बधाइयां वहां पर दी जा रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। इसके अलावा आज की खास तस्वीर ये है कि देश की सेना के जो जवान हैं वो बेहद खुश हैं, तिरंगा लहराते हुए झूमते हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश का नाम आखिरकार टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। हम अंक तालिका में बेहद हो सकता है कि हम नीचे हो, लेकिन हम अपने आप में पूरी तरह से सबसे आगे हैं, क्योंकि जहां तक भाला जाएगा भारत वहां तक जाएगा, उस लेवल तक जाएगा और गोल्ड लेकर ही आएगा। शुरू से ही पिछले 1 घंटे से उम्मीदें लगाए बैठे थे भारतवासी, उम्मीदों पर नीरज चोपड़ा खरे उतरे और भारत को लाकर गोल्ड दिया है। हालांकि तमाम जो सरकारें हैं वो अपने आप में गर्व महसूस कर रही है, हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा सरकार भी कह रही है कि जैसे ही खिलाड़ी वापस लौटेंगे देश भर में जश्न मनाया जाएगा और ये जश्न वाकई मनना भी चाहिए। हालांकि इस जश्न में
कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करना है, क्योंकि खिलाड़ी स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहे, यूं ही नाम कमाता रहे, यूं ही गोल्ड जीतता रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आगे भारत ऐसी मेहनत करता रहेगा, क्योंकि कई खेल ऐसे हैं इस टोक्यो ओलंपिक में जो हम बहुत सालों पहले भूल गए थे। हॉकी को हम सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन हॉकी की दोनों टीम ने, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इतिहास रच दिया। एक बार फिर से जो आज की जनरेशन है उन्होंने ये जाना कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है और किस तरह से वो ओलंपिक्स में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर भाला फेंक प्रतियोगिता की बात की जाए तो इसके बारे में भी बच्चे जानेंगे और ये कई लोगों की प्रेरणा बनेंगे, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम हो या फिर महिला हॉकी टीम हो, या फिर इसके अलावा तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं। देखिए यहां पर सबका नाम मैं नहीं गिनवा सकती, लेकिन ये जरूर कह सकती हूं कि जितने भी खिलाड़ी हैं वाकई हमारे देश के भविष्य के लिए प्रेरणा बनकर साबित हो रहे हैं और प्रेरणा बनकर ही सामने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आज जो किया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने अपना नाम, देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा दिया है, और जब स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है ना, तो वो नाम मिट नहीं सकता, ना ही कोई मिटा सकता है, क्योंकि ये प्रतिभा उन्होंने अपने दम पर हासिल की है और भारत में नहीं, उन्होंने विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया है। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में ये उपलब्धि हासिल की और पहला गोल्ड भारत को दे दिया है। भारत तो एक ही गोल्ड से संतुष्टि रख रहा है, लेकिन उम्मीदें आगे भी यूं ही बनी रहेगी और जिस तरह से बनी हुई थी, कई मौके आए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आज इतिहास, आज का दिन याद रखेंगे और आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। 7 अगस्त 2021 ये तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिख दी गई है और आगे इसे मिटाने वाला कोई नहीं है। आगे इतनी उपलब्धियां आएंगी, लेकिन जो आज का दिन है वो अपने आप में बेहद खास है। तो नीरज ने शानदार प्रदर्शन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए, और इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनकी भरपूर तारीफ की है, अनुराग ठाकुर ने उन्हें बधाई दी है।